दोस्तों, हम अपनी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज उपलब्ध कराते हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। आपको एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेंगे, तो आप हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक टॉपिक मिलता है सिलेबस में, वो है मार्शल और वॉलरस स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होना है आपके लिए। तो दोस्तों, हम यूपीएससी का पूरा कोर्स तैयार करा रहे हैं, तो उसी का ये 10वीं वीडियो नंबर है और इसमें हम आपको एक टेबल के थ्रू समझाएंगे। देखिए, छः केसेस कौन कौन से हैं, मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ और डायग्राम भी बना देता हूँ। पहला केस है जिसमें डिमांड डाउनवर्ड है और सप्लाई अपवर्ड है, जो कि नॉर्मल केस है। इस केस में वॉलरस और मार्शल दोनों का स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोनों के अप्रोच में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मार्शल की। तो मार्शल के हिसाब से जो डिस्टर्बेंस होता है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में डिस्टर्बेंस होता है। तो अगर मान लीजिए किसी वजह से डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, आप बस इतना याद रखिएगा, अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो इस केस में क्वांटिटी बढ़ेगी, और डिमांड कम है सप्लाई से तो क्वांटिटी घटेगी। बस आपको यही चीज याद रखनी है, सिर्फ इतनी सी बात है। डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा सप्लाई होगी, डिमांड ज्यादा है तो क्वांटिटी बढ़ने वाली है, डिमांड कम है तो क्वांटिटी घटने वाली है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसी तरीके से जो वॉलरस है उनके हिसाब से डिमांड अगर ज्यादा है सप्लाई से तो प्राइसेस बढ़ेगा, और डिमांड कम है सप्लाई से तो प्राइसेस घटेगा। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें अगर एक बार डिस्टर्बेंस आ जाए तो दोबारा से फिर वो स्टेबल हो जाएगा, फिर वहीं वापस आ जाएगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो है जो एक बार अगर डिस्टर्बेंस हो जाए तो दोबारा वापस कभी नहीं आएगा। तो 6 केसेस हैं, एक एक करके हम सभी केसेस के बारे में बात करेंगे। पहला केस हमने बना लिया है, नंबर मैं आपको बता देता हूं, केस वन में हम क्या करते हैं, डिमांड डाउनवर्ड है जैसे नॉर्मल केस होता है, सप्लाई अपवर्ड है, तो ये हमारा केस वन हो गया। प्राइस यहां पे हमने ले लिया P0, क्वांटिटी ले ली Q0, नीचे क्वांटिटी लिखते हैं, ऊपर प्राइस लिखते हैं, ठीक है जी। और अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मार्शल के अकॉर्डिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, और वॉलरस के अकॉर्डिंग स्टेबल है कि नहीं है। तो वॉलरस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम देखते हैं, हम प्राइस को P1 मान लेते हैं, और इस P1 प्राइस पर, यानी कि एट प्राइस P1, जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, यानी कि जो P1 प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है, ये जो प्राइस है ये इक्विलिब्रियम प्राइस PE मान लेते हैं, इस PE से ज्यादा है। इस पर आप देखोगे तो जो डिमांड है वो कम है सप्लाई से, डिमांड कम है सप्लाई से, और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर डिमांड कम होगी सप्लाई से, डिमांड अगर कम होगी सप्लाई से तो प्राइस में फॉल देखने को मिलेगा, तो जिसकी वजह से जो प्राइस है वो फॉल करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि P1 और P0 प्राइस बराबर नहीं हो जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस कंडीशन में प्राइस फॉल करेगा और ये स्टेबल है। इसी तरीके से अगर प्राइस P2 हो जाता है तो एट प्राइस P2, अगर आप P2 प्राइस की बात करेंगे तो P2 प्राइस का मतलब है कि इस केस में जो P2 प्राइस है वो ज्यादा है, वो लेस देन है P1 से, इक्विलिब्रियम प्राइस से। अगर हम बात करें डिमांड सप्लाई के थ्रू, तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, यानी कि इस केस में डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो प्राइसेस बढ़ेगा और तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि वो फिर से P1 प्राइस नहीं हो जाता। इसका मतलब वॉलरस के अकॉर्डिंग ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरा अगर हम केस लेके चलें मार्शल का, तो मार्शल के केस में मान लीजिए क्वांटिटी Q1 आ गई। अब
अब इस क्वांटिटी Q1 पर आप डिमांड देखोगे, आप चाहो तो हम नाम दे सकते हैं। तो डिमांड है हमारी AQ1, सप्लाई है हमारी BQ1। तो आप देख पा रहे हो कि इस केस में डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। तो जब डिमांड कम है सप्लाई से, तो इससे क्वांटिटी में फॉल देखने को मिलेगा, और ये फॉल तब तक चलता रहेगा जब तक कि फिर से डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं हो जाते और फिर से क्वांटिटी Q1 पे नहीं आ जाती। तो इस पॉइंट पे एक बार आने के बाद फिर से यहीं पे आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम लेके चलें, तो अगर क्वांटिटी Q2 हो जाती है, तो इस वाली क्वांटिटी पर Q2 क्वांटिटी पर डिमांड जो है वो देखिए कितनी है। डिमांड हमारी है DQ2, सप्लाई हमारी है CQ2। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, जिसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी और फिर से ये स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो समझने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर डिमांड डाउनवर्ड है, सप्लाई अपवर्ड है, तो वॉलरस और मार्शल दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेबिलिटी हमें अचीव होगी, पक्की बात है अचीव होगी ही होगी। दूसरा केस ले लेते हैं, मान लीजिए सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस में हम उल्टा कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, केस 2, डिमांड कर हम मान लेते हैं अपवर्ड है और सप्लाई का डाउनवर्ड है, हम मान के चल रहे हैं और हम देखते हैं कि स्टेबल कंडीशन को ये फुलफिल करता है कि नहीं करता। अकॉर्डिंग टू वॉलरस और मार्शल, तो ये मान लीजिए हमारी सप्लाई है। अब आप ये मत बोलिएगा कि सप्लाई कर्व डाउनवर्ड कैसे हो गई। देखिए सप्लाई कर्व डाउनवर्ड हो सकती है अगर हम डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। परफेक्ट कंपटीशन वाले चैप्टर में हम आपको समझा देंगे। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि हाइपोथेटिकल है कि सप्लाई कर्व किसी तरीके का भी हो सकता है, ठीक है जी। जैसे डिमांड कर्व एक्सेप्शन केस है, ऐसे ही है एक्सेप्शन केस ऑफ सप्लाई कर्व हो गया। और ये मान लीजिए डिमांड कर्व है, ये प्राइस है P0, क्वांटिटी है Q0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वॉलरस के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए प्राइस हो जाता है P1, ये प्राइस है P1, मान लीजिए P1 प्राइस हो गया। अब इस P1 प्राइस पर आप देखिए, मैं आपको बार बार वही समझाने की कोशिश करूंगा। ये मान लीजिए A है, ये B है, तो इस पर जो डिमांड है वो ज्यादा हो गई है सप्लाई से। और हम जानते हैं कि जब भी डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, तो प्राइस जो है वो राइज करता है, और प्राइस राइज करने की वजह से प्राइस बढ़कर P2 हो जाएगा और कभी भी स्टेबिलिटी को अचीव नहीं होगा, यानी कि एक तरीके का ये अनस्टेबल हो गया। यानी कि अगर एक बार प्राइस बढ़ा, तो प्राइस बढ़ने पर डिमांड ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइस फर्दर बढ़ेगा, और फिर फर्दर बढ़ने से फिर से प्राइस बढ़ेगा, और ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे वापस नहीं आएगा। प्राइस को अगर हम P2 मान लें, तो इस प्राइस पे भी देखिए, इस प्राइस पर डिमांड जो है वो लेस देन सप्लाई है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, और जब डिमांड कम होती है सप्लाई से, तो प्राइस गिरता है और फर्दर प्राइस गिरेगा। इसका मतलब इस केस में अगर एक बार प्राइस गिर गया, तो फिर से प्राइस गिरेगा और फिर से कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसका मतलब ये पूरा का पूरा अनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है, और ये मार्शल के वॉलरस के अकॉर्डिंग अनस्टेबिलिटी को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यही चीज़ हम वॉलरस के थ्रू समझने की कोशिश करें। तो देखिए थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो गया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम दोनों पॉइंटों को सेम पॉइंट पे ले लिया है। मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है। अब Q2 पर आप देख पा रहे होंगे, इस पर हमारी जो सप्लाई है वो कम है, डिमांड ज्यादा है, यानी कि इस केस में डिमांड जो है वो मोर देन सप्लाई है एट प्राइस Q2।
और हम जानते हैं कि जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तो क्वांटिटी बढ़ती है, यानी कि एक तरीके से अनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है। और इसी तरीके से अगर हमारा क्वांटिटी Q1 पर हम देखें तो इस केस में जो हमारी सप्लाई है वो ज़्यादा है डिमांड से, और हम जानते हैं कि जब डिमांड कम होती है, या हम ये कह सकते हैं कि डिमांड कम है सप्लाई से, और हम जानते हैं कि जब डिमांड कम होती है तो फिर से इक्विलिब्रियम लाना पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये अनस्टेबिलिटी को दिखा रहा है। तो देखिए दो केस हमने समझे। पहले केस में हमने समझा कि अगर डिमांड का डाउनवर्ड है और सप्लाई का अपवर्ड है, डिमांड का डाउनवर्ड है सप्लाई का अपवर्ड है, जो कि नॉर्मल कंडीशन होती है, उस केस में वॉलरस और वॉलरस दोनों के अकॉर्डिंग स्टेबल इक्विलिब्रियम पाया जाएगा। लेकिन अगर डिमांड डाउनवर्ड है और सप्लाई जो है वो अपवर्ड है, यानी कि डिमांड अपवर्ड है और सप्लाई डाउनवर्ड है, तो इस केस में वॉलरस और वॉलरस दोनों के अकॉर्डिंग अनइक्विलिब्रियम होगा। अब हम चार केसेस और लेंगे जिसमें से हम दो केसेस में मानेंगे कि डिमांड का डाउनवर्ड है, दो केसेस में मानेंगे कि जो मतलब दोनों के दोनों डाउनवर्ड है, हम दो केसेस में मानेंगे कि दोनों के दोनों अपवर्ड है, और स्लोप जो है वो अलग अलग आएगा। देखिए मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। देखिए अब हम ये केस मान लेते हैं कि डिमांड भी डाउनवर्ड है सप्लाई भी डाउनवर्ड है, ये मान लीजिए डिमांड है और ये भी डिमांड, ये सप्लाई है। मान लीजिए एक बार डिमांड मान ली, एक बार सप्लाई बना लिया। पहले केस में जो सप्लाई कर्व है वो ऊपर से कट कर रहा है, दूसरे केस में डिमांड कर्व ऊपर से कट कर रहा है। और ये पॉइंट मान लीजिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है ए, नाम में क्या रखा ई मान लेते हैं, ये प्राइस है पी जीरो, क्वांटिटी है क्यू जीरो। इसी तरीके से ये हमारी क्वांटिटी है क्यू जीरो और प्राइस है पी जीरो। तो दो केस तो हमारे ये हो गए। दो और केस ले लेते हैं जिसमें हम डिमांड को अपवर्ड मान लेते हैं एक में, सप्लाई को अपवर्ड मान लेते हैं। एक केस में डिमांड कर्व इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सप्लाई कर्व है, दूसरे केस में डिमांड कर्व इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है। इन कंडीशंस में प्राइस स्टेबिलिटी है या नहीं है, क्वांटिटी स्टेबिलिटी है कि नहीं है, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहां तक हमने समझ लिया था ऑलरेडी कि अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है और सप्लाई का अपवर्ड है तो वॉलरस और मॉलरस दोनों के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी। इसके अलावा अगर डिमांड कर्व अपवर्ड है और सप्लाई का डाउनवर्ड है तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही यानी कि वॉलरस और मॉलरस दोनों के अकॉर्डिंग ही अनस्टेबिलिटी होगी। अब हम इस वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं। देखिए डायग्राम को थोड़ा मैं छोटा भी कर लेता हूं जिससे कि आपको यहां मैं एक्सप्लेन कर सकूं। पहले मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको हम इधर के ले जाते हैं। यहां समझिए, देखिए ध्यान से पहले इसको समझ रहे हैं। यानी इस केस में क्या है, इस केस में डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों ही डाउनवर्ड है, लेकिन सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को नीचे से कट कर रहा है। तो अगर मान लीजिए हम सबसे पहले वॉलरस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अगर प्राइस P1 हो जाता है, अगर प्राइस P1 हो जाता है तो इस P1 प्राइस पर आप देखिए हमारी जो डिमांड है, मैं कह देता हूं एट प्राइस P1 हमारी जो डिमांड है इसको नाम दे देते हैं ए बी। तो हमारी जो डिमांड है वो है हमारी P1 ए के बराबर, जबकि जो सप्लाई है वो P1 बी के बराबर है। और हम जानते हैं कि जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो इस केस में प्राइस के बढ़ने की टेंडेंसी पाई जाती है। इसका मतलब इस केस में जो प्राइस है वो बढ़ेगा और एक बार बढ़ने के बाद फिर से रिस्टोर हो जाएगा, यानी कि फिर से P1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर हम प्राइस को P2 मान लेते हैं, P2, तो इस P2 पर आप देखिए हमारी जो डिमांड है
इसको नाम चेंज कर देते हैं, सी बोल देते हैं, सी और डी। तो इस केस में जो हमारी डिमांड है यानी कि एट प्राइस P2, हमारी जो डिमांड है वो लेस देन है सप्लाई से। आप देख पा रहे होंगे इस केस में जो हमारी डिमांड है वो सप्लाई से कम है, और जब डिमांड सप्लाई से कम होती है तो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जब डिमांड कम होती है सप्लाई से तो प्राइस में कमी देखने को मिलती है। जब डिमांड कम होगी तो इसका मतलब प्राइस में फॉल करेगा। डिमांड कम होने का मतलब है कि जो सेलर है उनमें कंपटीशन होगा, जिससे प्राइस में फॉल करेगा, और तब तक प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि फिर से डिमांड सप्लाई बराबर ना हो जाए, यानी कि प्राइस फिर से P2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में स्टेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू वॉलरस, यानी कि स्टेबिलिटी आपको पाई जाएगी। बात करते हैं नीचे वाले पॉइंट पर। अब इसके लिए हम एक अलग पेन ले लेते हैं। तो देखिए, अगर हम क्वांटिटी ले लें Q1, तो Q1 क्वांटिटी पे आप देख पा रहे हो, इसको नाम अगर हम कुछ H दे देते हैं और F, यानी कि Q1 क्वांटिटी पर, एट Q1 क्वांटिटी, मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ कर लेता हूं, हाँ, एट Q1 क्वांटिटी, Q1 क्वांटिटी पे देखिए, तो इस केस में सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से। यानी कि आप देख पा रहे होंगे जब डिमांड ज्यादा है, यानी कि डिमांड ज्यादा है तो डेफिनेटली जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी। आप सब लोग जानते हैं जब डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा क्वांटिटी आएगी, जिसका मतलब इस केस में एक बार अगर डिस्इक्विलिब्रियम हो गया तो फिर से ये आगे की तरफ जाएगा, यानी कि ये हमारे को दिखा रहा है अनस्टेबिलिटी को। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हम क्वांटिटी ले लें Q2, तो Q2 क्वांटिटी पर एट Q2 क्वांटिटी आप समझ रहे होंगे बच्चों कि जो डिमांड है वो कम है सप्लाई ज्यादा है, यानी कि डिमांड कम है सप्लाई से। तो जब डिमांड कम है सप्लाई से तो क्वांटिटी में कमी होगी, क्वांटिटी में कमी होगी, और ये क्वांटिटी में कमी फिर से आगे की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंडीशन ये वाली है, दिस वन तीसरे पे आ गए हम, कि डिमांड भी डाउनवर्ड है और सप्लाई भी डाउनवर्ड है, लेकिन सप्लाई का डिमांड वर्ड को ऊपर से काट रहा है, तो अनस्टेबिलिटी होगी। स्टेबल होगा वॉलरस के अकॉर्डिंग और अनस्टेबल होगा मार्शल के अकॉर्डिंग, जैसा कि हमने यहां पे आपको डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि वॉलरस के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी और मार्शल के अकॉर्डिंग अनस्टेबिलिटी होगी। अगर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों के दोनों डाउनवर्ड हैं और सप्लाई कर्व डिमांड कर्व को नीचे से ऊपर से इंटरसेक्ट कर रहा है। ये वाला केस भी ले लेते हैं। इस वाले केस में देखिए, ध्यान से समझिएगा, डिमांड और सप्लाई दोनों डाउनवर्ड है लेकिन डिमांड कर्व ऊपर से इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए प्राइस अगर P1 हो जाता है तो देखिए आप यहीं पे समझिएगा, एट P1 प्राइस, ये चलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आप ऐसे समझ लीजिएगा, इसको अगर हम नाम दे दें A और इसको नाम दे दें B, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इस केस में जो डिमांड है वो कम है सप्लाई से, और जब डिमांड कम होता है सप्लाई से तो प्राइस में फर्दर फॉल करेगा, और प्राइस फर्दर फॉल होने का मतलब है फिर से प्राइस P2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर प्राइस को हम P2 ले लेते हैं, प्राइस को P2 ले लेते हैं, तो प्राइस P2 पर देखिए क्या हो रहा है, प्राइस P2 पर डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से, और आप सब लोग जानते हो कि जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो प्राइस बढ़ेगा। इसका मतलब इस केस में प्राइस जो है अगर वो गिरता है तो फर्दर गिरेगा, और प्राइस बढ़ता है तो फर्दर बढ़ेगा। इसका मतलब इस केस में अनस्टेबिलिटी पाई जाएगी, अनस्टेबल, यानी कि इसके हिसाब से अगर डिमांड और सप्लाई दोनों का डाउनवर्ड है और डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से इंटरसेक्ट कर रहा है तो वॉलरस और मार्शल दोनों के अकॉर्डिंग वॉलरस के अकॉर्डिंग अनस्टेबिलिटी पाई जाएगी। अभी हम मार्शल का चेक करते हैं बच्चों। देखिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटी को Q1 ले लेते हैं, और आप Q1 क्वांटिटी पे देखिए, आपको ध्यान से समझना है इस वाले पॉइंट को कि इस केस में सप्लाई ज्यादा है डिमांड से,
या डिमांड कम है सप्लाई से, डिमांड ले रहे हैं तो डिमांड कम है सप्लाई से, तो जब डिमांड कम होती है सप्लाई से तो क्वांटिटी में फिर से फर्दर कमी आएगी और क्वांटिटी फिर से इसी जब पॉइंट पर आ जाएगी जिस पर है, क्योंकि डिमांड लेस देन सप्लाई है तो क्वांटिटी में कमी होगी ही होगी, मार्शल कहता है इस बात को। क्वांटिटी अगर Q2 ले लें तो Q2 क्वांटिटी पे देखिए आप, दोनों पॉइंट हमने ले लिए, इस केस में डिमांड ज्यादा है सप्लाई से और जब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो फिर क्वांटिटी राइज करेगी, इसका मतलब अगर क्वांटिटी Q1 है तो Q1 क्वांटिटी पे डिमांड लेस देन सप्लाई है जिसकी वजह से फिर से वापस कीमत घटेगी, और इस केस में डिमांड मोर देन सप्लाई है इसलिए प्राइस क्वांटिटी बढ़ेगी और ये स्टेबिलिटी पाई जाएगी। तो देखिए समराइज हम इसको कर देते हैं, समराइज करने में कर देते हैं कि अगर दोनों कर्व डाउनवर्ड हैं, अगर डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से काट रहा है तो वॉलरस के अकॉर्डिंग अनस्टेबिलिटी होगी, मार्शल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी। अगर सप्लाई कर्व ऊपर से काट रहा है यानी कि ऊपर से इंटरसेक्ट कर रहा है तो मार्शल के अकॉर्डिंग अनस्टेबिलिटी होगी और वॉलरस के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी, ऐसा आपको समझना है। लास्ट हम पॉइंट ले लेते हैं दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, डिमांड और सप्लाई दोनों ही अपवर्ड है, लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पे हमने इसके पॉइंट भी बनाए हुए हैं, यहाँ पे जो हमारा ये वाला पॉइंट है पहले एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं कि अगर दोनों ही डाउनवर्ड हैं और डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से कट कर रहा है तो अनस्टेबिलिटी होगी वॉलरस के अकॉर्डिंग और स्टेबिलिटी होगी मार्शल के अकॉर्डिंग। अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग है दोनों के दोनों, लेकिन सप्लाई कट डिमांड फ्रॉम अबव, तो चलिए हम करके देख लेते हैं। देखिए सप्लाई कट इसको अबव से काट ऊपर से काट रहा है और जो इस केस में क्या होता है, मान लीजिए प्राइस हो जाता है P1 तो आप यहां पे देखिए ए पॉइंट है ये वाला, बी पॉइंट है, इसका मतलब इस वाले पे प्राइस P1 पे हमारी जो डिमांड है वो लेस देन सप्लाई है और जब डिमांड लेस देन सप्लाई होती है तो प्राइसेस गिरेगा। इसी तरीके से अगर प्राइस P2 ले लें तो हम जानते हैं कि इस P2 प्राइस पर, मैं यहां पे लिख देता हूं, डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से तो प्राइसेस बढ़ेगा, इसका मतलब फिर से प्राइस इसी पॉइंट पर आ जाएगा, इसका मतलब ये स्टेबल है। तो जैसा कि यहां पे देखिए लिखा हुआ है, अगर डिमांड कर्व अपवर्ड है और सप्लाई कर्व भी अपवर्ड है और सप्लाई कट डिमांड कर्व फ्रॉम दी अबव तो वॉलरस के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी पाई जाएगी, जैसा कि हमने आपको यहां पे समझा दिया है स्टेबिलिटी पाई जाएगी। दूसरी कंडीशन में हम ले लेते हैं, दूसरी कंडीशन में अगर हम क्वांटिटी को ले लें इस जगह पे, तो आप देखिए इस वाली क्वांटिटी पे, देखिए मैं यहां पे लिख देता हूं इस वाली क्वांटिटी का हिसाब से, इस वाली क्वांटिटी पे हमारी जो डिमांड है वो ज्यादा है सप्लाई से और हम सब लोग जानते हैं कि जब डिमांड ज्यादा होती सप्लाई से, हमने शुरू में ही बताया था, तो क्वांटिटी फर्दर इंक्रीज करेगी और कभी भी स्टेबिलिटी वापस लौट के नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर हम Q2 ले लें तो इस वाले केस में आप देख पा रहे होंगे डिमांड जो है वो लेस देन सप्लाई है जिसकी वजह से क्वांटिटी में कमी आएगी और इस तरीके से इस वाले केस में अनस्टेबिलिटी पाई जाएगी, अनस्टेबल। तो कहने का दोस्तों मतलब यह है कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का पैमाना स्केल जो है वो डिमांड एंड सप्लाई है। अगर डिमांड मोर देन सप्लाई है तो आप देख लीजिएगा, यानी कि अल्टीमेटली आपको याद रखना है कि डिमांड मोर देन सप्लाई है तो प्राइसेस में इंक्रीमेंट होगा और क्वांटिटी भी इंक्रीमेंट होगा, लेकिन यहां पे क्या है, डिमांड मोर देन सप्लाई है तो क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी, और इस केस में डिमांड लेस देन सप्लाई है तो क्वांटिटी घटेगी, स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी, यानी कि ये अनस्टेबल है वो मार्शल के अकॉर्डिंग और वॉलरस के अकॉर्डिंग स्टेबल है। लास्ट हमारा केस रह गया, इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। इसमें क्या है, डिमांड कर्व ऊपर से काट रहा है तो अगर हम प्राइस को P2 कर दें तो आप देखिए इस केस में ए और बी पॉइंट हम रख लेते हैं, इस केस में क्या हो रहा है, यहां पे मैं लिख देता हूं,
इस केस में जो डिमांड है वो लेस देन सप्लाई है, और हम जानते हैं कि जब डिमांड लेस देन सप्लाई होता है तो प्राइस फॉल करता है। इसका मतलब ये तरीके का अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया, क्योंकि प्राइस फर्दर फॉल करेगा। इसी तरीके से अगर हम प्राइस P1 ले लें तो प्राइस P1 पर डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो जब डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से तो प्राइस राइज करता है, और एक तरीके से यह भी अनस्टेबल हो गया। कहने का बच्चों मतलब यह हुआ कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी हमें पता करने के लिए हमें डिमांड एंड सप्लाई को ही एनालिसिस करना पड़ेगा, और इस केस में प्राइसेस बढ़ेगा, इस केस में प्राइसेस गिरेगा, फर्दर बढ़ेगा, फर्दर गिरेगा, तो इसका मतलब है ये वाला जो कंडीशन है ये अनस्टेबल हो गई, अनस्टेबल। क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना भी जरूरी है। तो क्वांटिटी ले लेते क्यू टू। अब देखिए इस क्वांटिटी पर क्या हो रहा है, आप खुद देख लीजिए ध्यान से, मैं यहां पर लिख देता हूं कि यानी कि एट क्यू टू क्वांटिटी Q2 क्वांटिटी पर हमारी जो डिमांड है वो कम है सप्लाई से, तो इसकी वजह से क्वांटिटी फॉल करेगी। इसका मतलब क्वांटिटी फर्दर फिर इसी पॉइंट पर आ जाएगी, इसका मतलब ये स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया। अगर हम क्वांटिटी को ले लें Q2, Q1, तो इस वाले पॉइंट पे आप देखिए, इस वाले पॉइंट पर डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से, डिमांड मोर देन सप्लाई होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ेगी और स्टेबिलिटी पाई जाएगी। तो बच्चों ये आपको कंक्लूजन भी है, आप एक बार कंक्लूजन को ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं कि अगर दोनों ही कर्व डाउनवर्ड हैं, दोनों ही कर्व डाउनवर्ड हैं, तो वालरस और मार्शल दोनों के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी। अगर दोनों ही कर्व अपवर्ड हैं, गलत बोला मैंने, शुरू से बोल देता हूं, अगर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है और सप्लाई कर्व अपवर्ड है तो वालरस और मार्शल दोनों के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी। अगर डिमांड कर्व अपवर्ड है और सप्लाई का डाउनवर्ड है तो वालरस के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी, मार्शल के अकॉर्डिंग अनस्टेबिलिटी होगी। अगर दोनों ही कर्व डाउनवर्ड हैं लेकिन सप्लाई ऊपर से इंटरसेक्ट कर रहा है डिमांड कर्व को, तो स्टेबिलिटी होगी वालरस के अकॉर्डिंग, अनस्टेबिलिटी होगी मार्शल के अकॉर्डिंग। अगर दोनों ही कर्व डाउनवर्ड हैं लेकिन डिमांड कर्व सप्लाई कर्व को ऊपर से इंटरसेक्ट कर रहा है तो वॉलरस के अकॉर्डिंग अनस्टेबिलिटी होगी, मार्शल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी होगी। और ये दो पॉइंट और हमने किए थे कि अगर दोनों ही कर्व डाउनवर्ड हैं, मतलब चारों ही केसेस में, दोनों ही केसेस में, लेकिन अगर सप्लाई का डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर से, तो स्टेबिलिटी होगी वॉलरस में, अनस्टेबिलिटी होगी मार्शल में। जबकि दोनों ही कर्व डाउनवर्ड हैं लेकिन सप्लाई कर्व कट कर रहा है, सप्लाई कट डिमांड फ्रॉम दी अबव फ्रॉम दी बिलो सप्लाई, चलिए वो एक ही बात हो गई, तो अनस्टेबिलिटी होगी मार्शल में, वॉलरस में, और स्टेबिलिटी होगी वॉलरस में। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा कंटेंट पूरा होता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंटेंट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।